वीडियो में मैं आप लोग को नेट्स पोर्टल से कैसे पता करें कि मेरा कहां सिलेक्शन हुआ है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, और कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हुआ है या होता है तो उसका कॉल लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि इसका आप अगर कैसे पता करें तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको नेट्स पोर्टल पर एक आईडी बनाना होगा, और उसके बाद जो भी वहाँ पे आपको जो भी अप्रेंटिसशिप जॉब दिखेंगे उसको अप्लाई करना होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोग को वही बताऊंगा, अगर आप लोग को ये पहले से पता होना चाहिए कि इसको आईडी को कैसे बनाते हैं और कैसे मैं अपना नज़दीक में जो अप्रेंटिसशिप जॉब आते रहता है नेट्स पोर्टल पे उसको कैसे अप्लाई करना है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको देख सकते हो कि जो आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे जो अपना जॉब है वो कैसे खोजना है। अब मैं आप लोग को इसको बताता हूँ इसका पोर्टल ओपन करके कि कैसे पता करे कि सिलेक्शन कहाँ हुआ है और कैसे पता करे कि कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पहली बार विजिट करें मेरे चैनल पर या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो अगर आपको कहीं पर आप अप्लाई किए हैं तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम जो भी अपना ईमेल आईडी दिए थे उस ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज आता है नेट्स की तरफ से, जिसमें कि कुछ इन्फो जो आप जहां पे भी आप अप्लाई किए रहते हैं उसमें अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो उसके तरफ से विभाग की तरफ से एक मेल आता है जो कि आप लोग को दिख सकता है। इस तरह का मेल आपको आएगा, डियर कैंडिडेट योर कैंडिडेटचर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टू अंडर गो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर वन ईयर इन हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये जहां का आपको जहां से आप शॉर्टलिस्ट होंगे वहां का आपको लिखा रहेगा इसमें, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, और इसमें ये भी डेट टाइम मेंशन रहता है कि आप इस डेट को अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप जहां यहां का जो एड्रेस दिया रहता है इस एड्रेस पर आ सकते हो या इस डिपार्टमेंट में आ सकते हो। क्या क्या लाना है तो वहां पर आप लोग देख सकते हो, एक नंबर में जो पीसीएफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दूसरा नंबर में सीएमएम है क्यूमुलेटिव मार्क्स और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी है, और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और स्टाम्प लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो ये सारी चीज लेकर के आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ये सारी चीज आपको लेकर के जाना होगा। तो ये तो हो गया कि आप जो भी मेल दिए थे उसमें ये जैसे भी जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबको यहाँ पे सीसी करके भेज देता है, यहाँ पे इसका सबका ईमेल रहता है। तो अगर आप इसमें भी मेल कर सकते हो, जैसे कि ये सबका नाम था तो ये सब कमेंट में वहीं पे मेल कर दिए कि यस आई कन्फर्म मैं आऊँगा। तो जो भी कैंडिडेट जिसको इंटरेस्टेड है उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको मना कर सकते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये तो हो गया ईमेल के माध्यम से पता करना। अब मैं आप लोग को दूसरा तरीका से बताता हूँ कि इसको अगर दूसरा तरीका से आप पता करना चाहते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा और गूगल में सर्च टाइप कीजिएगा नेट्स। तो नेट्स लिख के जब गूगल में सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको सामने विंडो आएगा, जिसमें कि आपको पहले नंबर पर नेट्स जो अप्रेंटिसशिप जो इसका पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। इसमें आप लोग को अपना अगर आप लोग इनरोल किए होंगे तो इसमें आपको यूजर आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीन चीज से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वो डाल करके आप लोग को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जब आप लोग अपना आईडी लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी होगा नाम वो सब माय प्रोफाइल सेक्शन में दिख जाएगा। अब आपको कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो देखने के लिए वहीं के बगल में आपको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे में, तो विंडो आपको दिखेगा रिक्वेस्ट स्टेटस का, रिक्वेस्ट स्टेटस का विंडो दिखेगा। इसमें आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा अगर आप कहीं पे सिलेक्टेड होते हैं, अगर आप अप्लाई किए हैं कहीं पे सिलेक्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस सेक्शन में आपको अगर कहीं पर शॉर्टलिस्ट किया गया है किसी आप जहाँ पे अप्लाई किए हैं उसमें अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आपको ऐसा सेक्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट स्टेटस में। अगर आप कहीं पे शॉर्टलिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस में कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, आपको वेट करना है, अप्लाई कर दीजिए उसके बाद वेट कीजिए, दो महीना तीन महीना तक आपको वेट करना होगा, ऑटोमेटिकली ईमेल भी आएगा और रिक्वेस्ट स्टेटस में भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अगर आप मान के चलिए कहीं पर शॉर्टलिस्टेड है तो यहाँ पे आपको कॉल लेटर का लिंक मिल जाएगा, इस पर जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब इसको ओपन कीजिएगा आप लोग तो आपका इंटरव्यू डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा, इंटरव्यू टाइम मेंशन रहेगा और कहाँ पे आपका हुआ है वो यहाँ पे आप सब कुछ मेंशन रहता है, किस स्टेट में हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहता है, आपका जो भी डिटेल्स है सब कुछ। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कॉल लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो कॉल लेटर
डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, ये आपको उस टाइम लेकर के जाना है। इसमें डेट टाइम सब कुछ मेंशन है, आप इसको आराम से लेकर के जा सकते हैं। इसमें सब कुछ मेंशन है, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा। जब जिस डेट को इसमें है उस डेट को आप लोग वहाँ पर लेकर के जाइए, आपको आराम से जो इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू, या तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको इसमें अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा और आप इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके जरूर से रखिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगी जो नेट्स के थ्रू तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा और आप लोग इसको देख करके कुछ बेनिफिट ले पाओगे। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अभी तक आपको नहीं अगर पता हो कि इसमें जो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कैसे अप्लाई किया जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग को अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहां पर इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा साइड में, तो उसमें आपको फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करना है। जब आप फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आप लोग आसानी से अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में खोज सकते हैं। इसमें खोजने के लिए आप दो तरीके से खोज सकते हैं इसको, पहला प्रीफ्रेंस एस्टेब्लिशमेंट का नेम डालकर, और दूसरा आप लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम है उसको डालकर, और दूसरा जो है वो आप लोग अपना स्टेट, सेंट्रल और जो अपना प्रीफ्रेंस चूज करके डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्रीफ्रेंस चूज करके अपना, आपको नहीं पता कि कौन सा अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो एजुकेशन में आपको यहाँ पर जो भी आप किए हैं, ग्रेजुएट अगर बीटेक किए हैं तो ग्रेजुएट चूज कीजिएगा, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा चूज कीजिएगा, सैंडविच डिप्लोमा और सैंडविच ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा आपको सिलेक्ट कीजिए, आप किस ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आप सभी ब्रांच का आपको दिख जाएगा। तो जिस भी ब्रांच से आप अगर डिप्लोमा किए हैं उसको आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे फाइंड कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेक्टर चूज कीजिए कि आपको सेंट्रल सेक्टर में करना है या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं मान के चलिए इनकेस आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में करना है तो यहाँ पे सेंट्रल चूज कीजिए। ये दो मैंडेटरी है, डिप्लोमा और ब्रांच ऑफ स्टडी, इसमें रेड का स्टार मैंडेटरी लगा है, और सब चीज़ आप अपने अनुसार से प्रीफ्रेंस में डालकर कर सकते हैं। अगर आपको, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन को यहाँ पर चूज करेंगे। इनकेस अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करके इसमें आपका स्टेट आ जाएगा। अगर आप स्टेट इसमें आपका नहीं आता है तो आप रीजन को चेंज कीजिएगा तो उसमें आपका स्टेट यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो भी स्टेट आप चूज करते हो उस स्टेट को चूज करके आप लोग यहां पर क्लिक करके और यहां पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट दिख जाएंगे। तो जो भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस कंपनी या उस डिपार्टमेंट में आप लोग को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता, इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही तो आपको अप्लाई का बटन यहां पर दिख जाएगा और यहां पर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।